आरोप यह है कि क्या भारत सरकार ने उनका नाम से, भारत सरकार किसी का नाम नहीं देती। डसॉल्ट कहता है कि जिन 10-12 कंपनियों को हमने नियुक्त किया है वो सारी की सारी हमने चुनी है। पहले दिन हॉलैंड साहब ने कहा कि फ्रांस सरकार का कोई रोल नहीं था, भारत से नाम आया। ये गंभीर मामला है अगर ऐसा सच है। विकल्प नहीं था, विकल्प नहीं था, ये भारत से आया। दूसरे दिन एक सम्मेलन में गए मॉन्ट्रियल, वहां AFP ने पूछा कि क्या आपको कहा था और आपको इसकी जानकारी है कि भारत ने, पूछने का नहीं, आई एम नॉट अवेयर, नॉट अवेयर, ये डसॉल्ट से पूछो। तो पहले बयान का खंडन कर दिया। दूसरा वाक्य कहा द पार्टनर्स चोज देमसेल्व्स, कि जो निजी क्षेत्र के पार्टनर हैं उन्होंने एक दूसरे को चुना। तो कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं, और ये भी याद रहे कि जो उन्होंने पहला बयान दिया था वो इस संदर्भ में दिया था जबकि फ्रांस में उनके खिलाफ वक्तव्य इशू हुए कि उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कोई इंटरेस्ट था जी। तो वो कह रहे थे, बड़ा सरल डिफेंस है, भी मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था, ये मैंने नए चयन नहीं किया था, ये किसी और ने किया था। तो अपने आप को डिफेंड करते हुए उन्होंने कहा और अगले दिन उस बयान में से पीछे हटते रहे। अब इस छोटे छोटे विवाद को लेकर हम क्या आर्मी और एयरफोर्स की प्रिपेयर्डनेस को रोकने का प्रयास करेंगे?